नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइट प्रोटेक में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम हो ही गया होगा कि आज मैं ग्रेफाइट इंडिया पर बात करने वाला हूं, तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक से बाहर कैसे निकलें। और उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों निकलना है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि मिड कैप में एक रैली आ गई है, सारे स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेंड पर हैं, लेकिन ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक्स नीचे जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आगे कैसा होगा इसका मार्केट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में स्टील का प्राइस कम हो रहा है, और इसके कारण हो सकता है कि स्टील का प्रोडक्शन भी कम हो जाए, और स्टील का प्रोडक्शन कम होगा तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का भी डिमांड कम हो जाएगा, तो ये एक रीज़न है। और दूसरा ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि US और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, हो सकता है कि ट्रेड वार के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, तो वहाँ स्लो डाउन होगा तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर, स्टील पे और भी इम्पैक्ट आएगा इसका। और जो इसका जो रॉ मटेरियल है निडिल कोक, इसका प्राइस अभी बढ़ रहा है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का जो प्राइस है वो घट रहा है। चाइना में इसका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्राइस 25% तक कम हो चुका है। इसके कारण जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्राइस घट रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि कंपनी का जो मार्जिन है इस पर इसका प्रेशर आएगा, मार्जिन कम हो सकता है, तो एक मार्जिन पर प्रॉब्लम आएगा। और आपने जैसा देखा होगा कि ग्रेफाइट इंडिया का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत ही सुपर रहा था, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी जो रिजल्ट आया था लास्ट क्वार्टर में, जितना अच्छा सुपर डुपर रिजल्ट आया था, जितना अच्छा प्रॉफिट आया था, तो ये एक पीक प्रॉफिट है, एक मैक्सिमम प्रॉफिट है, और आगे के क्वार्टर्स में इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऊपर से मार्जिन पे प्रेशर भी है, तो इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे के क्वार्टर में भी इतना प्रॉफिट आएगा। और अभी देखा जाए तो मार्केट में ऐसा कोई ट्रिगर भी नहीं है कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना मार्जिन पर प्रेशर होने के बाद भी इस शेयर्स में कुछ अच्छा न्यूज आए, तो ऐसा कुछ ट्रिगर तो नहीं लग रहा है। और इसी कारण शायद म्यूचुअल फंड कंपनी जो है इसको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले HEG ने एक बाई बैक का अनाउंसमेंट किया था, तो ऐसा हम आशा कर सकते हैं कि ग्रेफाइट इंडिया भी एक बाई बैक का अनाउंसमेंट करे तो एक पॉजिटिव मूव होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रोमोटर्स पिछले कई बार वो बोल चुके हैं कि वो कैश रिजर्व रखना चाहते हैं, तो प्रोमोटर कैश रिजर्व रखना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि शायद वो ऐसा रिजर्व इसलिए रखना चाहते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कंपनी उनको एक्वायर करने का चांस मिले तो उस कंपनी को एक्वायर कर सकें, तो शायद इसलिए प्रोमोटर्स कैश रिजर्व रखना चाहते होंगे। इन सब रीजन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेफाइट इंडिया का जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो आगे, हालांकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा मुनाफा कमा रही है और आगे भी प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मार्जिन पर प्रेशर है और मैंने जो पहले आपको बताया, इन सब को देखते हुए लगता है कि आगे जो होगा ये स्लो मूवर होगा, इतना फास्ट ग्रो नहीं करेगा जितना अभी तक कर रही थी, तो एक स्लो मूवर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ग्रेफाइट इंडिया से निकल कर किसी और ऐसे स्टॉक्स में मूव कर जाए जहाँ की फास्ट मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा स्टॉक्स है, अब सवाल यही उठता है कि ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जिसमें कि हम ग्रेफाइट इंडिया से निकल कर मूव करें और उसमें इसका मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ जिसमें कि मुझे लगता है कि फास्ट मूवमेंट आएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो ये कंपनी मैं बताने जा रहा हूँ, एक NBFC कंपनी है और ये मेनली टू व्हीलर्स का लोन देती है और अब यूज कार के लिए भी लोन दे रही है, और उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। तो एक कंपनी है मुथूट कैपिटल का नाम आपने सुना होगा, ये एक्चुअली जो मुथूट फिनकॉर्प है उसी ग्रुप की कंपनी है इसका, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है, बहुत अच्छा शानदार इसका रिजल्ट रहा है, और ये मेनली टू व्हीलर्स का लोन देती है। आप अभी अगर मार्केट में देखें जो टू व्हीलर लोन ले रहे हैं, जो बाइक लोन ले रहे हैं, उसमें परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 35% लोग हैं जो कि टू व्हीलर लोन पे ले रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कि अभी मार्केट में सिर्फ 35% लोग बाइक लोन ले रहे हैं, तो आगे स्कोप बहुत है इसमें। अगर NBFC अच्छा काम करे, ये कंपनी अच्छा काम करे, तो इसमें लोन लेने का चांसेज और भी ज़्यादा है, तो एक अच्छा चीज़ है। और आपको ये भी बता दूँ कि जो मुथूट कैपिटल है वो काम कैसे करती है।
ये क्या करती है कि अपने ब्रांचेस बहुत कम रखी है, बहुत कम ब्रांचेस ऑपरेट करती है। इसका जो पेरेंट कंपनी है मिथुत फिन कॉर्प, उसमें ये अपने आदमियों को बैठा कर रखती है, अपने सेल्समैन को वहाँ बैठा देती है। वहाँ जो लोग गोल्ड लोन लेने आते हैं उनसे ये अप्रोच करते हैं बाइक लोन के लिए, कि अगर आपको टू व्हीलर लोन चाहिए या फिर यूज कार के लिए लोन चाहिए तो आप उनसे अप्रोच करते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि अपने सेल्समैन को, जितने भी टू व्हीलर्स के शोरूम्स हैं, जितने भी बाइक के शोरूम्स हैं, वहाँ भी अपने सेल्समैन को बैठाते हैं। कहने मतलब ये कि अपना ब्रांच कम रखते हैं बल्कि अपने सेल्समैन को अपने पेरेंट्स कंपनी में बैठा देते हैं और शोरूम में बैठा देते हैं। इससे क्या होता है कि इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाता है। मुझे ये वर्किंग स्टाइल इसका बहुत अच्छा लगता है कि कम कॉस्ट पे ये अपना ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को लोन दे रहे हैं। और कंपनी ने अभी यूज्ड कार पे भी लोन देना स्टार्ट की है। इसका ऐसा मानना है कि जो छोटे शहर है, छोटे सिटीज हैं, वहाँ पे यूज्ड कार का डिमांड बढ़ रहा है, तो फिर वो उसको टारगेट कर रहे हैं कि जो छोटे शहर में जो यूज्ड कार खरीदने वाले लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको उन्होंने लोन देना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से इनका बाइक लोन तो अच्छा चल रहा था, अभी यूज्ड कार के लिए भी लोन दे रहे हैं। और इस कंपनी का एक बात और बता दूँ कि इस कंपनी का एनपीए बहुत कम है, मुथूट कैपिटल का एनपीए बहुत ही कम है। और ये जो भी लोन देती है शॉर्ट टर्म लोन देती है। आपने जैसा अभी रिसेंटली सुना होगा कि DHFL और ILFS में जो प्रॉब्लम आया था, उस नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण मुथूट कैपिटल का भी शेयर प्राइस नीचे गया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया, वो ऊपर आने लगा है। तो होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले RBI ने एक गाइडलाइंस लाया था कि अगर आप होम लोन दे रहे हैं, जो बैंक या NBFC होम लोन दे रहे हैं उसे उन्होंने गाइडलाइंस दिया था कि अगर आप होम लोन लंबे समय के लिए दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, तो आप जो पैसे ले रहे हैं दूसरे से, आप जो लोन ले रहे हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए ना लें। लोग NBFC करते क्या था, कमर्शियल पेपर के थ्रू वो पैसे जुटाते थे, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेते थे और उसे लॉन्ग टर्म लोन देते थे। उसके कारण उसका जो एसेट और लाइबिलिटी जो है मिसमैच हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम मिथुट कैपिटल में नहीं है, क्योंकि मिथुट कैपिटल जो लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, 2-3 साल के लिए बैक लोन देती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसमें वो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं होता है। और अभी रिसेंटली मिथुट कैपिटल ने QIP के थ्रू बहुत पैसे जुटाए हैं, सक्सेसफुल्ली उन्होंने बहुत पैसे रेज किया है। मैं आपको कुछ नाम बता दूँ, जो म्यूचुअल फंड जिसको उन्होंने 650 रुपीज़ पे शेयर बेचा था, उस म्यूचुअल फंड में कुछ नाम है, बिरला, DSP, ब्लैक रॉक, IDBI, SBI और सुंदरम म्यूचुअल फंड। और कुछ बड़े इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने QIP में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से कुछ नाम है, मॉर्गन स्टैनली फ्रांस, अरिजिन मास्टर फंड सिंगापुर एंड गोल्डमैन सैचे। ये कुछ कंपनियां, कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड हैं जो उन्होंने QIP में पार्टिसिपेट किया था, और इसके थ्रू मुथूट कैपिटल ने काफ़ी पैसे जमा किए हैं, तो इसलिए इनके पास फंड के भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े स्टॉक इन्वेस्टर हैं, जैसे डोली खन्ना, उन्होंने भी इसमें काफ़ी स्टॉक ले रखा है, उनके पास लगभग more than 1% स्टॉक्स है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो मिथुट कैपिटल है, अगर इसमें पैसा लगाया जाए, जिसका कि अभी स्टॉक प्राइस 950-970 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में इसका प्राइस शायद 950 से थोड़ा नीचे भी आ जाए। तो अभी आप अगर इसका प्राइस 900-950 के आसपास आता है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी यही कर रहा हूँ कि अभी ग्रेफाइट इंडिया से पैसे निकाल करके मुथूट कैपिटल में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे 1-2 महीने में इसका प्राइस 1150 जा सकता है, फिर वापस उसके बाद मैं वहाँ से निकल के ग्रेफाइट इंडिया में वापस आ जाऊँगा कुछ महीने के बाद। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुथूट कैपिटल में अगर पैसे इन्वेस्ट किया जाए तो अगले 9 महीने या 1 साल तक इसका प्राइस 2000 क्रॉस कर जाएगा। तो मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी। और जहां ग्रेफाइट इंडिया अभी कुछ अगले कुछ महीने स्लो या इसी लेवल पे होगा, तो उससे अच्छा है कि वहां से निकाल करके मैं पैसे इसमें डाल दूँ, फिर कुछ महीने के बाद जब मुझे लगेगा ग्रेफाइट इंडिया ठीक है तो फिर वहां पे डाल दूँगा। हालांकि जो लोग ग्रेफाइट इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्लो डाउन होगा कुछ दिनों के लिए ही होगा, कुछ महीनों के लिए ही होगा, लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और आप जानते होंगे ग्रेफाइट इंडिया सबका फेवरेट स्टॉक रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता रहा है, लेकिन अभी कुछ महीनों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप इनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, जिस माध्यम से फॉरवर्ड कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपको मेरा आने वाला वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।